देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग बात कर रहे थे क्लीवेज के बारे में, किस तरीके से आपका जायगोट बनने के बाद जायगोट के अंदर जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर जायगोट बना था उसमें डिवीजन हो रहा था, देन मोरूला, देन ब्लास्टुला, देन गैस्टुला। तो ये सब प्रोसेस में हम लोग देख रहे थे कि जो एक सेल था वो डिवाइड कर करके बहुत सारा 8, 2 सेल, 4 सेल, 8, 16, 32, 64 ऐसे करके सेल्स जो है डिवाइड कर रहे थे, और इसी डिवीजन, ये जो माइटोटिक डिवीजन का प्रोसेस हो रहा था, इसी को हम लोग बोल रहे थे क्लीवेज। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग क्लीवेज के बारे में बात किए थे कि भैया क्लीवेज कैसा कैसा टाइप का होता है, क्या और भी जो उसके अंदर जो भी फीचर्स था, कैसे डिफरेंट होता है माइटोसिस से, ये सब चीज़ हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग उस कहानी को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे हम लोग पिछले क्लास में छोड़े हुए थे, और आपको तो पता है कौन सा डायग्राम बनने वाला है। ये देखिए, कुछ इस तरीके का यूट्रस का स्ट्रक्चर बन गया है, इसको यूट्रस बोलते हैं। इधर फैलोपियन ट्यूब है, इधर फैलोपियन ट्यूब है। देखिए, हम लोग कहानी को वहीं से शुरू करेंगे। बताइए यहाँ पे क्या था? ओवरी प्रेजेंट था। ओवरी क्या रिलीज कर रहा था? ओवम रिलीज कर रहा था। वो ओवम कहाँ पे आ जा रहा था? आपके फैलोपियन ट्यूब। थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर देते हैं, थोड़ा सा और इसको चौड़ा कर देते हैं। ओके, नाउ इट इज ओके। हाँ, तो ये जो ओवम यहाँ से रिलीज हो रहा था, ये सेकेंडरी ओसाइट, उसको हम लोग अगर बोले तो वो सेकेंडरी ओसाइट या वो ओवम पहुंच जा रहा था आपका फैलोपियन ट्यूब में, पहुंच गया था। और इस सेकेंडरी ओसाइट के बाहर एक लेयर था, क्या बोल रहे थे बोलिए? जोना पेलोसिडा बोल रहे थे। जोना पेलोसिडा के बाहर कुछ फॉलिकुलर, अरे फुल टाइप का जो डिजाइनदार स्ट्रक्चर था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? कोरोना। हाँ, कोरोना रेडिएटा बोल रहे थे। ये ओवम आकर के यहाँ वेट कर रही थी, और इधर से क्या आ रहा था? स्पर्म आ रहा था। अब अगर स्पर्म और ओवम का मीटिंग हुआ, यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ, तो ये स्ट्रक्चर आगे चल करके क्या बन जाएगा? एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। इसको बोलेंगे जाइगोट। और इसके बाहर में कौन सा लेयर? जोना पेलोसिडा। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देंगे, दिस स्ट्रक्चर विल बी ओवम या सेकेंडरी ओसाइट। ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर, हम बार बार बोल रहे हैं, वही स्ट्रक्चर जिससे आपका और हमारा लाइफ बना है। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाला है आज का, क्या कि आज के क्लास के अंदर हम लोग एक ह्यूमन बींग का फॉर्मेशन करेंगे, एक नया ऑर्गेनिज्म, लाइफ का उत्पत्ति, एक नया बेबी को हम लोग यहाँ पे बना के देखेंगे। हैं, देखिए किस तरीके से ओवम हो गया, ओवम में फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बन गया? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द जाइगोट, द फर्स्ट सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, द सिंगल सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द जाइगोट। इसको प्री एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं, एम्ब्रियो से पहले वाला स्ट्रक्चर, सबसे पहले वाला स्ट्रक्चर जाइगोट बन गया। ये जाइगोट के अंदर क्लीवेज होता है, हम लोग बात कर चुके थे डिवीजन, अभी एक एक सेल है, लेकिन इसके अंदर डिवाइड करते हैं ब्लास्टोमियर, छोटे छोटे सेल बन जाते हैं जिसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर, और इसके अगला जो स्ट्रक्चर बनता है मोरूला बोलेंगे। ये स्ट्रक्चर मोरूला बन गया। क्या इसके बाहर अभी भी जोना पेलोसिडा रहेगा? हाँ, इसके बाहर तो अभी भी जोना पेलोसिडा रहेगा। जब फर्टिलाइजेशन हुआ उसके लगभग लगभग 3 दिन के बाद ये मोरूला बन गया। हैं, यहां पे आपका जाइगोट बना, जाइगोट धीरे धीरे इधर चलना शुरू किया, इधर चलना शुरू किया जाइगोट। कैसे चलेगा? सीलिया का मूवमेंट, फैलोपियन ट्यूब में सीलिया प्रेजेंट है। देखिए दोनों तरफ से ऐसा सीलिया इसको ऐसे इधर उधर भेजता है, है? यूट्रस की तरफ इसको ऐसे पुल करता है, जिसकी वजह से ये इधर मूव करता है। लगभग 3 दिन के बाद, फर्टिलाइजेशन के 3 दिन के बाद ये मोरूला वाला स्ट्रक्चर बन गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोरूला बोलते हैं। और मोरूला वाला स्ट्रक्चर के बाद फिर ये स्ट्रक्चर और इधर मूव करेगा, और अब ये पहुंच जाएगा इनटू द यूटरस। अभी भी जोना पेलोसिडा लेयर रहेगा, और मोरूला के बाद वाले इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टुला। ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टुला, या इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, लिख देते हैं इसको भी। इसको हम लोग मैमल के केस में हम लोग बात करते हैं, हमारे केस में, ह्यूमन के केस में इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, सिस्ट के जैसा हो। और सिस्ट मतलब हम लोग बायोलॉजी में क्या जानते हैं, सिस्ट मतलब क्या होता है? अरे कुछ भी अगर गुठली टाइप बन जाता है, हिंदी में साधारण भाषा में समझिए ना, गुठली को हम लोग बायोलॉजी में बोलते हैं सिस्ट। हाँ, ये स्ट्रक्चर एक गुठली के जैसा, एक सॉलिड बॉल के जैसा स्ट्रक्चर ये अपीयर होता है, ये दिखता है,
लेकिन जब आप स्ट्रक्चर को आप काट देंगे ना, काट के अंदर देखेंगे, अरे यार अंदर तो खोखला है, कहे कि अंदर एक हॉलो कैविटी प्रेजेंट है जिसका हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसील, है ब्लास्टोसील बोलते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट यहां पे बन गया। अब ये ब्लास्टोसिस्ट देखिए क्या हो रहा है, हम फिर से बात कर रहे हैं, जायगोट बना, जायगोट के बाद मोरूला बना, कितने दिन के बाद, 3 days, लगभग 3 दिन के बाद ये मोरूला बन गया। मोरूला बनने के बाद फिर इधर चलना शुरू किया, लगभग 4th से 5th दिन में आपका बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में आ गया, एकाध दिन इधर उधर घूमता है ब्लास्टुला, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये इधर उधर यूट्रस में घूम रहा है, देखिए ना ये इधर आ गया, इधर मूव कर गया, यूट्रस में आने के बाद इधर उधर थोड़ा घूम रहा है, ऐसे ही हवा खा रहा है। अब यूट्रस देखेगा, अरे यार ये तो मेहमान, इसी का तो इंतजार था, अब मेहमान आ चुका है। लेकिन यूट्रस को पता है, अरे भैया इसके चारों तरफ जोना पेलुसिडा का लेयर बना हुआ है, तो यूट्रस को पता है कि जब तक वो लेयर हटेगा नहीं तब तक ये चिपकेगा नहीं। आपका एक डाउट हम क्लियर कर देते हैं, ऐसा मत समझिए कि जो बेबी का डेवलपमेंट होता है कहीं ऐसे ही बीच में हवा में बेबी लटक रहा है, नहीं हाँ, जो एम्ब्रियो, आप लोग क्या सोचते होंगे सर ये तो यूट्रस रहा, यूट्रस के बीच में बेबी का डेवलपमेंट, नहीं, यूट्रस का इस कैविटी में बेबी का या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होता है, बल्कि यूट्रस का लाइनिंग के अंदर, हाँ एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर एम्ब्रियो जो है एम्बेड कर जाता है और उसके अंदर होता है बेबी का डेवलपमेंट। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर यानी कि ब्लास्टोसिस्ट को आपका एंडोमेट्रियम के अंदर चिपकाना है। लेकिन यूट्रस को पता है कि भैया इसके चारों तरफ एक लेयर प्रेजेंट है, क्या बोलते हैं इसको, जोना पेलुसिडा। इसका मतलब पहले तो जोना पेलुसिडा को हटाना पड़ेगा तब जाकर कि ये स्ट्रक्चर चिपक पाएगा। तो जोना पेलुसिडा को हटाने का काम करता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग। वो इस जोना पेलुसिडा को हटाने के लिए एंजाइम्स रिलीज करते हैं जैसे कि प्रोटीएज, और आपको तो पता है किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर एज आ गया मतलब वो एंजाइम का नाम है, तो प्रोटीएज एंजाइम को यहां पे डाला जाएगा। एज अ रिजल्ट आपका जोना पेलुसिडा यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जोना पेलुसिडा जब हट गया तब ये जो ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है आपका अंदर में एम्बेडेड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ये अंदर में एम्बेडेड हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले यानी कि बिफोर इम्प्लांट, ये जो अंदर चिपकने का जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इसी टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आज के क्लास के अंदर कि इम्प्लांटेशन कैसे होता है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट यहां पर बन गया वो ब्लास्टोसिस्ट कैसे चिपकेगा, हवा में ऐसे ही यूट्राइन कैविटी में नहीं लटक रहा होता है, है? तो पहले जोना पेलुसिडा को हटाएगा बिफोर इम्प्लांटेशन, देन दिस ब्लास्टोसिस्ट विल अटैच टू द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। है लेकिन आपको फोटो देख के भी समझ में आ रहा होगा, अरे सर आप तो यहां चिपका दिए लेकिन ये कहीं फिर वापस नीचे ना गिर जाए, है ये कहीं वापस नीचे ना गिर जाए, तो इसको रोकने के लिए यहां पर कुछ सेल्स के प्लग बन जाते हैं। प्लग समझते हैं ना, मान लीजिए कहीं से अगर छेदा है, लीकेज है, पानी आ रहा है, तो आप वहां क्या लट्ठा चिपका देते हैं, हैं? गोंद चिपका देता है कि पानी बाहर ना आए, तो ये चीज बाहर ना आ जाए इसलिए यहां पे एक सेल्स का प्लग लगाया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कोआगुलम, इसको हम लोग बोलेंगे कोआगुलम, क्लोजिंग कोआगुलम इसको बोलते हैं, एक तरह का सेलुलर प्लग। अब आपका ब्लास्टोसिस्ट अंदर में मस्त से आपका एम्बेडेड हो गया, अब यहां पे होगा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट धीरे धीरे करके, अब यहां एम्ब्रियो बड़ा होगा और धीरे धीरे करके बेबी बनेगा। अब जब एम्ब्रियो यानी कि ब्लास्टोसिस्ट यहां इम्प्लांट हो गया है, देन देयर विल बी मॉडिफिकेशन इन द होल एंडोमेट्रियम, कहे कि मेहमान आ चुका है, एंडोमेट्रियम मॉडिफाइड हो जाएगा, एंड एट दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट वी विल कॉल दिस एंडोमेट्रियम एज डेसीडुआ। देखिए ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, इसके अंदर वाला लेयर, समझिए बात को, ब्लास्टोसिस्ट और एंडोमेट्रियम की तरफ मतलब ये वाला पोर्शन का अगर हम बात कर रहे हैं, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं डेसीडुआ बेसलिस, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट के अंदर मैटरनल बॉडी की तरफ,
मदर का बॉडी के तरफ यानी कि ब्लास्टोसिस्ट के अंदर तरफ का जो पोर्शन है एंडोमेट्रियम का, इसको हम लोग बोलेंगे डेसिडुआ बेसलिस। इस ब्लास्टोसिस्ट के नीचे का जो पोर्शन है एंडोमेट्रियम का, ब्लास्टोसिस्ट के नीचे वाला जो पोर्शन है यानी कि ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस, है डेसिडुआ बेसलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और आपका जो अदर जो पूरा का पूरा जो ल्यूमेन है, ये सब जो कैविटी है, इसको हम लोग बोल देते हैं डेसिडुआ पेराइटलिस। पेरिफेरल में प्रेजेंट है तो डेसिडुआ पेराइटलिस। लगभग 3 दिन के अंदर मोरूला बनेगा, 4th दिन तक आपका ब्लास्टुला बन जाएगा, और ब्लास्टुला बनने के बाद 1-2 दिन ब्लास्टुला क्या करेगा, इधर घूमेगा, यूट्रस देख लेगा कि आ गया है ब्लास्टुला, तो यूट्रस इसका जोना प्लासिडा को डिग्रेड करेगा, ये फिर चिपकने जाएगा। लगभग 2 दिन, सोचिए ना, 4 दिन में बन गया ब्लास्टुला और 1-2 दिन घूमा, तो लगभग 6 से 8 दिन के अंदर अंदर यानी कि 6 to 8 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ इसके 6 से 8 दिन के बाद ये इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हो जाता है, है? ये इम्प्लांटेशन का प्रोसेस यहां पे हो जाता है कुछ इस तरीके से। और यही वाला जो सेल्स है, यही सब जो सेल्स है ना, ये इधर वाला सेल्स जो है, यही सब सेल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं ताकि मैटरनल यानी कि मदर के बॉडी के साथ और अच्छा कॉन्टैक्ट बना सके। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, इसको हम लोग बोलते हैं, लिख देते हैं यहां पे कोरियोनिक विलाई। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा आपका ये जो एम्ब्रियो जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसमें से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएंगे जो और अच्छे से एडहेयर करने में और अच्छे से चिपकने में हेल्प करते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज कोरियोनिक विलाई। कुछ महीनों के बाद, लगभग 3 से 4 महीनों के बाद, ये कोरियोनिक विलाई धीरे धीरे करके डिजेनरेट करने लग जाएंगे, कुछ कोरियोनिक विलाई बच जाएंगे, और जो बच गया ना वही आगे चल करके बनाएगा प्लेसेंटा। हाँ, इतना हमारा जो फेवरेट स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा यहां पे बन जाएगा, यानी कि फीटस यानी कि एम्ब्रियो और मदर के बीच का जो कनेक्शन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। कौन बनाता है प्लेसेंटा? कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई कौन बनाता है? ये ब्लास्टोसिस्ट। अब हम लोग, ये ब्लास्टोसिस्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इम्प्लांट हो गया, यहाँ पे चिपक गया, अब अगले 9 मंथ तक यहीं पे रहेगा, उसके बाद फिर जो है बेबी का डिलीवरी होगा। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे चिपकता है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा स्पेशल है, यहाँ पे थोड़ा स्पेशलाइजेशन होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पे हम सेल्स रैंडमली बना दिए हैं, पूरा हर जगह सेल बना दिए हैं, लेकिन यहां पे अगर आप देखिएगा ना, तो सेल एक तरफ एक कोना में ज्यादा बना दिए हैं और बाकी चारों तरफ घेर दिए हैं, मतलब कुछ तो स्पेशलिटी है यहां पे। इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर को, कि इसके बाद ऐसे कैसे बन रहा है, तो ये स्ट्रक्चर को हम लोग यानी कि ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर को जरा सा हम लोग को जूम करके देखने का जरूरत है। सो नाउ यू आर गोइंग टू एम्प्लीफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ए ब्लास्टोसिस्ट। बोलिए, सबसे बाहर वाला लेयर क्या बोल रहे हैं? जोना पेलुसिडा। ये हो गया आपका जोना पेलुसिडा, हम लोग नाम दे देते हैं इसको जोना पेलुसिडा। और इसके अंदर में प्रेजेंट है ब्लास्टोमियर्स। ये ब्लास्टोमियर ना, कुछ ब्लास्टोमियर साइड की तरफ चले जाने लग जाते हैं, मतलब साइड साइड में भागने लग जाते हैं, कुछ इस तरीके से देखिए। और कुछ ब्लास्टोमियर एक कोना पकड़ लेते हैं, एक साइड में आ जाते हैं, कुछ ब्लास्टोमियर एक कॉर्नर पे एग्रीगेट कर जाते हैं कुछ ब्लास्टोमियर। हम क्या बोल रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर के बारे में। ब्लास्टोसिस्ट में हम लोग क्या जानते हैं कि ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ ब्लास्टोमियर क्या कर गए, सुपरफिशियल साइड यानी कि एकदम साइड साइड में चले गए, और कुछ ब्लास्टोमियर एक कोना पकड़ लिया, कुछ इस तरीके से। अब आप बोलेंगे सर ये वाला क्या है, तो भैया यहां पर भी है, यहां पर भी देखिए है, लेकिन कुछ अलग बात है, अभी बताने वाले हैं हम लोग। देखिए, जो ब्लास्टोमियर आपका साइड साइड में अरेंज हुआ है, यानी कि ये सब ब्लास्टोमियर का हम लोग बात कर रहे हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट सेल। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, और वो सभी सेल जो यहां पे कोना पकड़ लिया है, ये सब सेल का हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास।
अंदर की तरफ चला गया है, इनर सेल मास, या इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोनल नॉब। आपको पता है यही सब जो सेल है यही इंसान को बनाता है। हां, यानी कि अब देखिए हम लोग एक्चुअल में हम लोग बात क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में हम लोग एक इंसान को बनाने जा रहे हैं। हाँ, फर्टिलाइजेशन के बाद इंसान कैसे, आपको पता है ये सब सेल इंसान यानी कि एम्ब्रियो को नहीं बनाता है, सिर्फ ये वाला जो सेल है ना जो एक कोना में जो एग्रीगेट कर गया है ये, इसलिए तो इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल नॉब या इनर सेल मास। यानी कि ये आपका क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। अब आप समझ गए, अच्छा सर इसी का मेन काम है। यही देखिए यहां पे देखिए ब्लास्टोसिस्ट को जो हम इम्प्लांट करा दिए हैं, जो अंदर की तरफ आप देख रहे हैं कोना में ज्यादा सेल बना दिए हैं, ये है आपका इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा, ये आपका प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन, यानी कि एम्ब्रियो को सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ ये आपका प्लेसेंटा बनाने का काम करेगा। फोटो देख के पता चल ही रहा है कि ये प्लेसेंटा बनाएगा, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल प्लेसेंटा बनाएगा। इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी, ये हम लोग बात कर चुके हैं ब्लास्टोसील कैविटी, या इसको हम लोग बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं एल्बुमिन कैविटी। एल्बुमिन कैविटी, ये कैविटी भी आपका न्यूट्रिशन के लिए इन्वॉल्व होता है। कुछ सेल्स ध्यान दीजिए, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स में ही कुछ सेल जो इनर सेल मास के कांटेक्ट में है। फोटो देख के आप ही बताइए ना, इनर सेल मास ये जो ब्लू इंक से हम बनाए हैं, इनर सेल मास के कांटेक्ट में कौन सा ट्रोफोब्लास्ट है, ये सब कि ये वाला है, ये वाला है कांटेक्ट में। और ये जो सेल्स हैं जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इन कांटेक्ट विद दीज इनर सेल मास, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज सेल्स ऑफ रॉबर, या इसको हम लोग बोलते हैं एमनियोजेनिक सेल्स। एमनियोजेनिक सेल्स, नाम से ही आप समझ गए होंगे, जेनिक मतलब क्या, फॉर्मेशन, जेनेसिस करना, एमनियन एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन करते हैं यही सेल्स। इसके अलावा कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन करते हैं यही सेल्स। यहां पे भी आप देख के कोरिलेट कर पा रहे होंगे, हैं? तो यही वाला स्ट्रक्चर यहां पे जाके चिपका है, बस डिफरेंस यह है कि जोना पेलोसिडा को यहां से हटा लिया गया है, हैं? ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टो सिस्ट। ब्लास्टुला बन गया, ब्लास्टुला का अगला स्टेज को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला बनने का प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रुलेशन। तो अब यहां से होगा आपका गैस्ट्रुलेशन, जिसके अंदर फाइनल प्रिपरेशन होगा, जो ये जो ब्लास्टोमियस का जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं यहां पे फाइनल अरेंजमेंट होगा, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रुलेशन। कुछ कुछ चेंजेस आएंगे, ये जो ब्लास्टोमियर से कुछ ब्लास्टोमियर इधर भागेगा, कुछ इधर भागेगा, हैं? कुछ ब्लास्टोमियर अलग अलग लेयर्स बनाएंगे, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रुलेशन। इसके बाद का कहानी का हम बात कर रहे हैं, और गैस्ट्रुलेशन बन जाएगा उसके बाद क्लीवेज विल बी स्टॉप्ड, नो मोर क्लीवेज आफ्टर गैस्ट्रुलेशन। काहे कि गैस्ट्रुलेशन हो गया है, अब क्लीवेज बंद हो जाएगा, अब ऑर्गन बनना चालू हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन, यानी कि ब्लास्टुला बनने के बाद वाला स्ट्रक्चर। ये बहुत वाइटल टॉपिक है गैस्ट्रुलेशन, कहे कि यहां पे होना है फाइनल प्रिपरेशन, जितना क्लीवेज होना है भैया यहीं तक कर लो, इसके बाद क्लीवेज वगैरह बंद हो जाएगा, एम्ब्रियो का साइज बढ़ेगा और ऑर्गेन बनेगा। दो तरह का काम इसके अंदर होता है, एक को हम लोग बोल देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स, और दूसरे को हम लोग बोल देते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर्स। जो ब्लास्टोमियर आपके प्रेजेंट थे
वो ब्लास्टोमियर के अंदर ये दो चेंजेस होगा। पहला चेंज को क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर। याद कीजिए हमारा ब्लास्टोमियर अभी तक फिक्स्ड नहीं था कि भैया तुम ये बनाएगा तुम वो बनाएगा, नहीं, लेकिन अब डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी कि नाउ दीज ब्लास्टोमियर्स विल बी डिफाइंड, दे विल बी फिक्स्ड टू फॉर्म थ्री डिफरेंट लेयर्स। हाँ, तीन डिफरेंट लेयर का फॉर्म कर देगा। पहले ये फॉर्म करेगा एंडोडर्म लेयर, देन इट विल फॉर्म एक्टोडर्म लेयर, एंड देन लास्टली इट विल फॉर्म मीसोडर्म लेयर। यही वो तीनों जर्मिनल लेयर है जो प्री एम्ब्रियोनिक यानी कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर बनता है। आपको पता है यही एंडोडर्म एक्टोडर्म और मीसोडर्म से पूरा का पूरा इंसान बनेगा। इंसान के यानी कि ह्यूमन बींग के कुछ पार्ट एंडोडर्म से बनेंगे, आपके जितने भी कैविटी वगैरह हैं, आपका जितना भी लाइनिंग वगैरह है ट्यूब्स का, वो एंडोडर्म बनाएगा। एक्टोडर्म आपका नर्वस सिस्टम बनाएगा आगे चल करके, हाँ, और आपके स्किन बनाएंगे, स्किन के बाहर वाला पार्ट आपके हेयर्स बनाएंगे, आपके नाखून बनाएंगे, ये एक्टोडर्म। मीसोडर्म आपका जितना भी मसल्स वगैरह ब्लड वगैरह चीज है ये बनाएगा आपका मीसोडर्म। तो यही तीनों, ये तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनल लेयर्स। इस तरीके से ब्लास्टोमियर के अंदर जर्मिनल लेयर बन करके तैयार है। अब सेकेंड वाला प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ द ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर कुछ कुछ जो है मूव करना शुरू कर देते हैं। दो तरीके से ये मूव करता है, एक को हम लोग बोलते हैं एपीबोली और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एम्बोली। एपी मतलब क्या, बाहर वाला, तो इसके अंदर वो सब ब्लास्टोमियर मूव करेंगे जो बनाने वाले हैं एक्टोडर्म। एक्टो मतलब क्या, बाहर। एपी मतलब क्या, बाहर। तो एपीबॉली के अंदर मूवमेंट ऑफ द एक्टोडर्म फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर, यानी कि वो सब ब्लास्टोमियर का मूवमेंट होगा जो सब ब्लास्टोमियर एक्टोडर्म बनाएगा, और इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं एपीबॉली। है, जबकि मूवमेंट ऑफ द एंडोडर्म एंड मीसोडर्म फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर्स, वो सब ब्लास्टोमियर जो आपके एंडोडर्म और मीसोडर्म बनाएंगे, वो सब ब्लास्टोमियर का मूवमेंट का हम लोग बोलेंगे एम्बोली। ये होता है आपका गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस। बोलिए कोई डाउट यहां से। हाँ, ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर हम लोग देखे, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स एंड इनर सेल मास। मेन आपका जो बॉडी बनता है किससे बनता है, ट्रोफोब्लास्ट से नहीं, वो बनता है इनर सेल मास से। उसी को स्टेम सेल भी बोलते हैं, वही इनर सेल मास का कुछ सेल को स्टेम सेल बोलते हैं। उसी को अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में निकाल कर रख लीजिएगा ना, तो फिर उसको बाद में आप कल्चर करके एक नया इंडिविजुअल बना सकते हैं। जो हम बात कर रहे थे क्लोनिंग वाला, कि इंसान के मर जाने के बाद भी उसका एक नया इंसान, आप सेम इंसान आप दोबारा बना सकते हैं, यही इनर सेल मास के अंदर ही प्रेजेंट होता है स्टेम सेल। बहुत वाइटल, आप लोग सुने होंगे कि किसी मतलब बच्चे को एम्ब्रियो भी बोला जाता है, कहीं फिटस भी बोला जाता है। तो 8 हफ्ता के बाद उस एम्ब्रियो को हम लोग फिटस बोलते हैं, यानी कि अब हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेन। अब ऑर्गन बनना शुरू हो जाएगा। हाँ, अब आपको हम मंथ वाइज बता देंगे कि कौन सा प्रेगनेंसी के कौन, 9 मंथ का प्रेगनेंसी एक ही बार में हाथ पैर पूरा बच्चा पहले मंथ में बन जाएगा है कि लास्ट मंथ में बनेगा, तो कौन से मंथ में बच्चे का कौन सा पार्ट डेवलप करता है, कौन सा पार्ट बनता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं अंडर द हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। देखिए जो पहला महीना है, फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी का हम बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के पहला ही महीना यानी कि फर्स्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस हो चुका है, देन द फर्स्ट ऑर्गन इज फॉर्म्ड। एंड यू विल बी अमेज्ड टू हियर दैट इट इज आवर वेरी वेरी स्पेशल हार्ट। यस, हार्ट इज द फर्स्ट ऑर्गन टू बी फॉर्म्ड इन एन एम्ब्रियो। दिल पहले बनता है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑर्गन बनता है आपका हार्ट।
सेकेंड मंथ बाय द एंड ऑफ, ये होता है बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ आपके हाथ पैर बनने लग जाते हैं। हाथ और पैर को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्ब्स बोलते हैं। हाथ को बोलते हैं फोर लिम्ब, पैर को बोलते हैं हाइंड लिम्ब, और उंगली को हम लोग डिजिट्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, है। तो आपका सेकेंड मंथ दूसरे महीना प्रेगनेंसी के अंदर आपका लिम्ब्स बन जाएंगे, यानी कि हाथ पांव बन जाएंगे, और बच्चे का उंगली बन जाएगा, यानी कि बच्चे का डिजिट्स बन जाएगा। उसके पेट में अगर स्टेथोस्कोप लगा करके अगर सुनने का कोशिश करें, मतलब हार्ट का साउंड आने स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, हार्ट जैसे ही बनता है ना, वो फंक्शनल यानी कि काम करने लग जाता है। यानी कि पहले महीने में ही अगर आप स्टेथोस्कोप लगाएंगे, आपका आवाज धक 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 धक, बेबी का आवाज आपको सुनाई देने लग जाएगा पहले ही महीने में। हाँ, हार्ट बन जाएगा। दूसरे महीने में बेबी के हाथ पांव बन जाएंगे, उंगलियां बन जाएंगे। थर्ड मंथ आते आते बेबी के अंदर जितने भी मेजर ऑर्गेन सिस्टम्स हैं, वो सभी ऑर्गेन सिस्टम्स बन करके, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब यहाँ पे बनने लग जाएंगे। जो थर्ड मंथ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तीन महीने का गैप, तीन महीने का जो ड्यूरेशन होता है, तीन महीने को हम लोग बोलते हैं ट्राइमेस्टर। ट्राई मतलब तीन, मेस्टर मतलब मंथ, तीन महीने का। देखिए, तीस, इसीलिए तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहला तीन महीना आपका गुजर गया, आपका हाथ पांव मेजर ऑर्गेन सिस्टम बन गया। आपको पता है अगर एबॉर्शन कराने के लिए आप जाते हैं तो ये बात बहुत वाइटल है, अगर आप थर्ड मंथ यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहले अगर आप एबॉर्शन करवाते हैं तो दैट इज सेफ, कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से अबॉर्शन करिए, आपका कुछ कोई टेंशन नहीं है। लेकिन तीन महीने के बाद आपका बाय द एंड ऑफ द थर्ड मंथ सारा आपका बॉडी का यानी कि एम्ब्रियो यानी कि बेबी का जो मेजर जो ऑर्गेन सिस्टम्स हैं सभी बनकर के तैयार। उसके बाद अगर तीसरे महीने के बाद अगर आप अबॉर्शन कराते हैं, सो दैट विल ब्रिंग मच मोर कॉम्प्लिकेशंस फॉर द बेबी। बेबी तो गया, बेबी तो अबॉर्शन में तो बेबी गया, वो तो बेबी का, बेबी काट के निकाल दे, हटा दे, कहा नहीं खाता। फॉर द मदर एंड फॉर द डॉक्टर ऑल्सो, खास करके मदर। पांचवा महीना चलते चलते बेबी का पहला मूवमेंट होने लग जाता है मदर के बॉडी के अंदर, यानी कि अब मदर को फील होगा, हाँ मेरे अंदर कुछ है जो हिल रहा है। बेबी हिलना डुलना शुरू कर देगा ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ, यानी कि हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द बेबी। बेबी का पहला मूवमेंट यहां पे हो जाएगा, और साथ में हेयर्स ऑन द हेड, उसके सर पे हेयर्स यानी कि बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे। छठा महीना आते आते पूरे बॉडी में हेयर्स आ जाएंगे, जो हमारा पूरा बॉडी में हेयर प्रेजेंट होता है तो सब हेयर्स आ जाएंगे, हेयर्स ऑन द बॉडी, पूरे बॉडी में हेयर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, है। बेबी का आईलिड बन जाएगा, आईलिड सेपरेट कर जाएगा बेबी का आईलिड, ये जो आंख का ढक्कन को हम लोग आईलिड बोलते हैं, आईलिड यानी कि आंख खुल जाएगा बेबी का। कब खुलेगा? छठे महीने में खुलेगा, है। आईलैश बन जाएगा, आईलिड के बाहर देखिएगा जो जो हेयर्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं आईलैश, जहां पे आप लोग मेकअप करते हैं, तो आपका आईलिड सेपरेट कर जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी कि बेबी का आंख खुल जाएगा, आईलैश, आईलैश फॉर्म कर जाएंगे, यानी कि आईलैश बन जाएंगे। फिर उसके बाद सेवेंथ मंथ और डेवलपमेंट, एट्थ मंथ और डेवलपमेंट, नाइन्थ मंथ पूरा डेवलपमेंट, नौ महीने यानी कि लगभग 280-290 डेज आते आते बेबी का पूरा डेवलपमेंट बॉडी का हो जाएगा। नाउ द बेबी इज रेडी टू बी डिलीवर्ड, अब बेबी अंदर बन करके तैयार है, अब वो भी अंदर से आवाज मार रहा है कि चलिए भाई अब हो गया हमारा, अब हमको निकलना है, है? तो इसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी नॉर्मल लैंग्वेज में। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं और कैसे इसका प्रोसेस होता है, इसका हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं हम लोग आज के लिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द